हिसार के मंडी आदमपुर खंड के गांव मोहब्बतपुर में बुधवार सुबह करीब 3 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। इस दौरान सो रही दो सगी बहनों की जलने से मौत हो गई है। शोर सुनकर पड़ोस में रह रहे मृतकों के ताऊ और उसके बेटे ने दो अन्य बच्चों को सकुशल बचा लिया। सूचना के बाद आदमपुर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जरूरी तथ्य जुटाए। पुलिस आगजनी की घटना हादसा है या कोई साजिश समेत अन्य पहलुओं के मद्देनजर जाँच कर रही है। पुलिस को मौके से डीजल की खाली बोतल मिली है। घटना के समय मृतक बहनों की मां मायके गई हुई थी, जबकि पिता छोटू राम हादसे के बाद से लापता है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार गांव मोहब्बतपुर के रहने वाले छोटू राम खेती बाड़ी करते हैं। उनके साथ वाले मकान में उसका दूसरा भाई पवन और तीसरा भाई पवन अपने परिवार के साथ रहता है। पवन की पत्नी और छोटू राम की पत्नी शकुंतला दोनों सगी बहने हैं। ये दोनों सोमवार को अपने मायके राजस्थान के हनुमान जिले के गंजाना में किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी। मंगलवार रात छोटू राम की बेटी और 13 साल का लड़का घर के अंदर कमरे में चारपाइयों पर सो रहे थे। उनके पिता छोटू राम बरामदे में सो रहे थे। बुधवार तड़के करीब 3 बजे कमरे में अचानक आग लग गई। इस दौरान एक लड़की ने और लड़के ने शोर मचाया तो घर के साथ मकान में रह रहे उनका ताऊ पवन और उसका लड़का राहुल आए और दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद आग ज्यादा भड़क गई, जिसमें दो सगी बहनों की मौत हो गई। राहुल ने पुलिस को बताया कि आग की घटना के समय छोटू राम घर पर नहीं था। एफएसएल टीम इंचार्ज डॉक्टर अजय और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से डीजल की एक खाली बोतल बरामद की है। सूचना के बाद बिजली निगम की टीम भी मौके पर पहुंची। बिजली निगम कर्मियों ने बताया कि मोहब्बतपुर में रात 12:30 से 4:30 बजे तक बिजली कट थी। ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका नहीं है। कमरे के अंदर गैस सिलेंडर भी नहीं था। पुलिस टीम ने मृतक के घर से मंगलवार रात के समय खाए गए खाने के सैंपल लिए ताकि पता चल सके कि रात के खाने में कोई नशीला पदार्थ तो नहीं मिलाया गया था। पुलिस ने जले हुए सामान के अलावा अन्य जरूरी तथ्य भी जुटाए हैं।